आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक बटन से आप किस तरह एक लैंप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टू कंट्रोल अ लैंप विद अ सिंगल वे स्विच। सबसे पहले हमारे पास एक लैंप होगा, उसके बाद हमारे पास एक स्विच होगा। हमारे पास बटन और लैंप है, इसके हमने कनेक्शन किस तरह करनी है। हमने इसको 220 वोल्टेज एसी सप्लाई फ्राम करनी है। इस सर्किट को चलाने के लिए हमारे पास 220 वोल्टेज एसी सप्लाई होनी चाहिए। ये हमारे पास सर्किट है, हमने जो यहाँ पर एसी है, ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट हमने डायरेक्ट बल्ब में लगा दिया लैंप में, और जो हमने फेस बटन के थ्रू हमने दे दिया यहाँ पर हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ से बटन के थ्रू हमने फेस दे दिया। यहाँ पर हम जब इस बटन को नो न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि हमारे पास जो बटन है उसमें कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, लाइन इन लाइन आउट हो रही है हमारे पास। जब हम इस बटन को हम ऑन करेंगे तो हमारा ये लैंप रोशन हो जाएगा। जब इस बटन को हम ऑन करेंगे तो हमारा लैंप ये रोशन हो जाएगा। जब इसको ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब है जो ऑफ हो जाएगा। ये आसान से तरीके से हम इसकी सर्किट डायग्राम इसके हम कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास ये डायरेक्ट हम इसको होल्डर को यानी कि लैंप को दे देंगे न्यूट्रल, और फेस हम बटन के थ्रू दे देंगे यहाँ से। हमारे पास ये भी यानी कि सेल के थ्रू भी हम इस लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर हमारे पास ये लैंप है, यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है, ये पर स्विच है। जब हम इसको ऑफ करेंगे ये हमारे पास रोशनी है, जब हम इसको साथ में ला देंगे तो ये रोशन हो जाएगा। ये आसान सर्किट डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास ये एक और डायग्राम है, यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, ये केबल है और रेड कलर की सभी, ये लैंप है और ये स्विच है। जब हम इस स्विच को हम करेंगे तो हमारे पास लैंप रोशन हो जाएगा। ये आसान हमारे पास ये बहुत ही आसान कनेक्शन थे, जिसमें हम सिंगल वे स्विच के थ्रू हम किसी भी लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल में इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।